लिख रहे हैं कि आतंकवाद भारत के विकास में सबसे बड़ा अवरोध सुने हैं, आपने जो देखा सुना है उसका वर्णन करना कैसा ऐसा होगा वर्णनात्मक, जैसे आप देख रहे हैं ना, समझ में आ रहा है? तो आप ये मान के चलिए कि ऐसे को चार भागों में आप बांट लीजिए, ये बताना है प्रस्तावना का मतलब, समझ रहे हो ना? आतंकवाद क्या, तो आपको लिखना है कि भारत में गरीबी की स्थिति अद्यतन क्या शुद्ध होना चाहिए, उसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, इस टॉपिक को आप कंक्लूड कैसे करते इस टॉपिक को, ये लिख लिख के देखिए, प्रैक्टिस से परफेक्शन आएगी। ये चीजें जो मैंने तो प्री की परीक्षा हो चुकी है, मॉडल आंसर्स भी अभी जारी हो जाएंगे, उसके जो फाइनल मॉडल आंसर है वो जारी हो जाएगा, इमिनेंट आंसर, और जो पहला मॉडल आंसर जारी हुआ है उसके बाद आप सभी को लगभग चीज़ें पता है कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है, हम बॉर्डर में हैं। तो अब कट ऑफ कितना भी जाए जो भी हो, पर एक चीज़ तो तय है कि जो जितने तय संख्या में लोग हैं उतने लोग मेंस देंगे, जितनी भी संख्या है, अगर 250 पद है तो उसके 15 गुना मेंस देंगे। तो जो भी लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक, जब वो एक फ्रेम बना रहे हैं अपनी तैयारी का, एक चार्ट आउट कर रहे हैं कि कैसे हम प्लानिंग को चार्ट आउट कर रहे हैं कि कैसे हम तैयारी करें, तो बाकी सब्जेक्ट्स, जैसे पहला पेपर है लैंग्वेज, तो लैंग्वेज को उन्होंने कमोबेश प्री में पढ़ा है, व्यापम की परीक्षाओं की तैयारी करते हुए वो पढ़ा है। लेकिन जो सबसे अलग चीज़ है, यूनिक चीज़ है, जो मेंस में ही है, वो है आपका ऐसे का पेपर, निबंध का पेपर, जो है पेपर टू। तो आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, सर ऐसे किस बुक से पढ़ें, ऐसे की तैयारी कैसी करनी चाहिए, हिस्ट्री कैसे पढ़ना है उनको पता है, ज्योग्राफी कैसे पढ़ना है उनको पता है, संविधान कैसे पढ़ना है उनको पता है, मैथ्स कैसे पढ़ना है उनको पता है, आर्ट एंड कल्चर कैसे पढ़ना है उनको पता है, इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ना है उनको पता है। सभी के लिए ऐसे एक नई चीज़ है, नई चीज़ पीएससी के टर्म में हो सकती है, लेकिन सभी कोई हमारे एजुकेशन सिस्टम में 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं पढ़े हैं, तो उसमें जो पेपर होते थे उसमें ऐसे एक सब्जेक्ट होता था। तो निबंध या ऐसे बहुत अलग चीज़ हमारे लिए नहीं है, लेकिन जब आप मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो आपके सिलेक्शन होने और नहीं होने के बीच एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है ऐसे का पेपर। आप जब सातों पेपर को रखते हैं, मान लीजिए ये बोर्ड है, आप सातों पेपर को रखिए और सातों पेपर के बारे में अपनी रणनीति बनाइए, तो आप देखेंगे ऐसा पेपर जिसकी 8-10 दिन तैयारी करके आप स्कोर में बहुत अंतर पैदा कर सकते हैं, तो वो सबसे पहला पेपर आपके दिमाग में आएगा ऐसे। शायद आज आप ऐसे लिखें तो आपको पीएससी वाला 200 नंबर के ऐसे में 70 नंबर, 80 नंबर, 90 नंबर दे। और मैं गारंटी देता हूं कि यदि ऐसे को आपने समझ लिया कि ऐसे को लिखना कैसे है, ऐसे है क्या, तो आप बेसिक जानकारियां जब ऐसे के बारे में आप जान जाएंगे ना, और थोड़े से कंटेंट पे काम कर लेंगे, 7-8 दिन की आप मेहनत कर लेंगे, तो 80 नंबर वाला व्यक्ति 150 नंबर में पहुंच सकता है, जबकि और दूसरे किसी विषय में वो संभावना नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आप ऐसे की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से मिलते हैं, पूछते हैं सर ऐसे की तैयारी करनी है, ऐसे किस बुक से पढ़ें, ऐसे में क्या होना चाहिए, ऐसे के लिए कंटेंट खोजते हैं, फैक्ट्स खोजते हैं। तो मैं इन जनरल जितने भी स्टूडेंट से बात किया ऐसे को लेके, मुझे एक चीज़ समझ में आई कि छत्तीसगढ़ में कम से कम बच्चों को बेसिक सी नहीं पता है कि ऐसे क्या है, उसका एग्जाम क्यों हो रहा है। हम ऐसे को आंसर राइटिंग से ज़्यादा नहीं समझते, ऐसे को लेके छत्तीसगढ़ पीएससी के बच्चों में ये धारणा है कि जैसे एक लॉन्ग आंसर होता है ना, पहले पीएससी में होता था 500 शब्द के आंसर लिखने होते थे, अब 750 शब्द का ऐसे लिखना है, तो उनको वो आंसर और ऐसे में अंतर नहीं समझ में आता। उनको लगता है किताबें पढ़ लें, फैक्ट्स पढ़ लें और ऐसे हमारा अच्छा हो जाएगा। तो पहले तो अभी मैं आप लोगों से पूछूं कि कितने स्टूडेंट्स को ये पता है कि जो ऐसे का पेपर पीएससी लेती है वो पेपर को चेक कौन करता है, कौन से सब्जेक्ट का टीचर वो पेपर को चेक करता होगा। तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों ने ये चीज सोचने की ही कभी जरूरत नहीं महसूस किया कि हम ये चीज सोचें कि भाई हम कोई पेपर लिख रहे हैं, उस पेपर को चेक कौन करेगा। भाई आप हिंदी का पेपर लिख रहे हो, इंग्लिश का पेपर लिख रहे हो, छत्तीसगढ़ी का पेपर लिख रहे हो, तो वो लैंग्वेज का टीचर चेक करेगा, हिस्ट्री का पेपर लिख रहे हो हिस्ट्री का टीचर चेक करेगा, फिजिक्स लिख रहे हो फिजिक्स का टीचर चेक करेगा, ऐसे का पेपर कौन चेक करेगा। तो ऐसे का पेपर मुझे लगता है, हालांकि मैं गलत हो सकता हूं, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता, जितनी मेरी स्टूडेंट से बात हुई,
कि ऐसे का पेपर कौन चेक करता है उनको पता ही नहीं, और वो ऐसे में फैक्ट्स ढूंढ रहे हैं, ऐसे में अंडरलाइन कर रहे हैं, कलर लगा रहे हैं। ऐसे का पेपर जब आपको पता चले कि जब आप जो पीएससी में ऐसे लिखते हैं उस ऐसे की चेकिंग जिस लैंग्वेज में आप ऐसे लिख रहे हैं उस लैंग्वेज का टीचर करता है। अब आप ऐसे के बारे में आपने जो परसेप्शन बना के रखा है, अब उसको एक बार फिर से सोचिए, आप क्या कर रहे हैं? ऐसे में कंटेंट पे काम कर रहे हैं, फैक्ट्स पे काम कर रहे हैं, और चेक कौन कर रहा है? लैंग्वेज का टीचर। यदि आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो आप हिंदी में ऐसे लिखे, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश में ऐसे लिखे। अब आपने हिंदी में ऐसे लिखा है, अब ऐसे का विषय क्या है? वो अंतर्राष्ट्रीय भी है, राष्ट्रीय भी है, छत्तीसगढ़ भी है, पर्यावरण भी है, प्रदूषण भी है, भ्रष्टाचार भी है, नैतिकता भी है, गरीबी भी है, त्यौहार भी है, मतलब ऐसे का टॉपिक कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन पेपर कौन चेक कर रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में चीन और भारत का द्विपक्षीय संबंधों पे ऐसे आ गया आपका। अब आप ऐसे में क्या प्रयास करते हैं कि इतना कंटेंट लिख दे, चीन ऐसा, भारत ऐसा, उन दोनों के बारे में ज्यादा से ज्यादा आप संधियां पता हो, ज्यादा से ज्यादा युद्ध पता हो, ज्यादा से ज्यादा व्यापार के आंकड़े पता हो, तब आपका ऐसे अच्छा होगा। और हिंदी के जो शिक्षक पेपर आपका चेक कर रहे हैं उनको कितने आंकड़े पता है, उनको कितना भारत और चीन के बारे में पता है? तो पहला चीज तो ये समझिए कि आपको ऐसे लिखना किसके लिए है जो आपका पेपर चेक कर रहे हैं। आपको तो नंबर चाहिए ना, तो नंबर कौन देगा? आपको ये चीज सोचिए, हिंदी के जो टीचर हैं उनको ज्ञान से ज्यादा मतलब होगा या आपकी हिंदी से ज्यादा मतलब होगा? तो ऐसे की बेसिक चीजें ही हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। तो पहली चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आप जिस भाषा में ऐसे लिख रहे हैं उस भाषा का शिक्षक आपका ऐसे का पेपर चेक करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंदी में हिंदी का ग्रामर लिख के आ जाइए, टीचर खुश हो जाएगा, अरे वाह इसको हिंदी का ग्रामर आता है, इंग्लिश का ग्रामर आता है, इसको अच्छे नंबर देते हैं, ऐसा नहीं है। जिस भाषा में आप ऐसे लिखेंगे उसमें भाषाई गलती बहुत मिनिमम होनी चाहिए। ऐसे का पहला मूलमंत्र, कंटेंट वंटेंट आएंगे हम आगे कि कंटेंट कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके अपने दिमाग में पहले यह बैठा लीजिए कि आपका पेपर चेक कौन करने वाला है। आपका पेपर चेक करेंगे जो लैंग्वेज के टीचर होंगे, या तो हिंदी के टीचर होंगे या तो इंग्लिश के टीचर होंगे। तो आप समझिए, जब एक इंग्लिश का टीचर आपका ऐसे का कॉपी चेक कर रहे हैं तो उनके दिमाग में आंकड़े थोड़े बहुत ऊपर नीचे कम ज्यादा हो जाएंगे, तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज की मिस्टेक्स अगर होंगी, हिंदी की मिस्टेक्स अगर होंगी, तो उसमें आपके नंबर डेफिनेटली कम होंगे। तो ऐसे लिखते समय पहला चीज तो याद रखिए कि आपकी भाषाई गलतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसे जो आप लिख रहे हैं उसमें भाषाई त्रुटियां नहीं होंगी, ये एकदम तय रखिए। तो आप लैंग्वेज पढ़े हुए हैं, प्री में भी पढ़े हैं, मेंस में भी पढ़ रहे हैं, तो लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज में आपकी त्रुटि की ज्यादा गुंजाइश है भी नहीं। लेकिन होता क्या है कि जब हम ऐसे के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे दिमाग में कभी ये चीज आया ही नहीं कि ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण चीज उसकी भाषा है। तो पहला चीज जो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ऐसे को लेके पहले तो अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि ऐसे लैंग्वेज के टीचर चेक करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज उसमें हो जाता है लैंग्वेज, कि आपका ग्रामर अच्छा हो, आपके अल्प विराम पूर्ण विराम जो आपके कॉमा होते हैं, फुल स्टॉप्स होते हैं, जितने भी तरीके के आपके हिंदी और इंग्लिश के साइन चिन्ह होते हैं, व्याकरण होते हैं, उनका आप बेहतर ढंग से प्रयोग अपने ऐसे में करें। दूसरा चीज, चलिए ऐसे अपन सोचते हैं कि ऐसे में आप ये सोचिए ऐसे का पेपर होता क्यों है। लैंग्वेज बस टेस्ट करना होता तो आपका लैंग्वेज का पेपर तो ऑलरेडी है, जिसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, छत्तीसगढ़ी भी है। तो ऐसा भी कहना ठीक नहीं है कि ऐसे केवल लैंग्वेज चेक करता है, लेकिन ऐसे में सबसे बेसिक कंटेंट लैंग्वेज होता है, ये याद रख लीजिए, ठीक है। तो अब जो मेरी बात अभी तक आपने सुनी उसके हिसाब से आप ये निर्णय मत ले लीजिए कि लैंग्वेज अच्छा है तो ऐसे में नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब है कि लैंग्वेज खराब है तो आपको ऐसे में नंबर नहीं मिलेगा, ये तो तय है, पर लैंग्वेज अच्छा बस होने से आपको ऐसे में नंबर पूरे मिलेंगे ऐसा नहीं है। हाँ, वो बेसिक जरूरत है कि आपको लैंग्वेज पे अच्छा काम करना है, ठीक है। तो आप देखिए पहली चीज, अब ऐसे को लेकर जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप समझिए कि आपको इंग्लिश में कोई गलती नहीं करनी है। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप ये समझिए कि आपको हिंदी में कोई गलती नहीं करनी है। ऐसे को कैसे लिखना होगा,
हमारी आदत है, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो ऐसा है कि सिक्स सेवन्थ एट्थ क्लास में हम लोग ऐसे लिखते थे, हिंदी हिंदी में भी ऐसे लिखते थे और इंग्लिश में भी ऐसे लिखते थे। आप लोगों ने कभी रिलेट किया इस चीज़ को कि जब अपन स्कूल में थे तब भी ऐसे लिखते थे, पीएससी में है तब भी ऐसे लिखते हैं? अच्छा, स्कूल में जो ऐसे होते थे, महात्मा गांधी के ऊपर ऐसे लिखने आता था तो वो ऐसे हिस्ट्री के पेपर में आता था कि लैंग्वेज के पेपर में आता था? तो महात्मा गांधी के ऊपर हिंदी में भी आप ऐसे लिखते थे, इंग्लिश में भी ऐसे लिखते थे, और उसका चेकिंग कौन करते थे, हिंदी के टीचर या इंग्लिश के टीचर? तो ऐसे भाषा का विषय है, ऐसे किसी दूसरे सब्जेक्ट का विषय नहीं है। पहला चीज तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, और ऐसे आप शुरू से लिखते आ रहे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया में 1% स्टूडेंट भी ऐसे को स्कूल में कम से कम फॉर्मेट बना के अपने शब्दों में अपने तथ्यों के अनुसार किसी ने ऐसे लिखा होगा। सभी ऐसे के लिए वो जो किताबें आती थी, विज्ञान के चमत्कार, महात्मा गांधी, रेलवे स्टेशन, दीपावली पर्व, संस्कृत में गाय, ऐसे ऐसे हमने रट लिए थे और वो ऐसे रट के हम जाते थे और एज इट इज अपन लिख के आ जाते थे। ऐसे लिखने की जो हमारी आदत है ना, वो वही बनी हुई है। जो हमारी बचपन की आदतें होती है वो बहुत जल्दी परिवर्तित नहीं हो पाती है। तो हमारी ऐसे राइटिंग की जो आदत है, इवन कॉलेज में हम क्या करते हैं, कॉलेज में पूरा फेंक के आ जाते हैं। कॉलेज में क्या करते हैं, हमको रटने की जरूरत नहीं रहती, हमको पता है कि कुछ भी गाना लिख के आएंगे हमको नंबर मिलेगा। तो ये जो यहाँ का जो ऐसे है, यहाँ की जो राइटिंग है, ये आपके स्कूल लाइफ से अलग है, आपके कॉलेज लाइफ से अलग है। तो इसलिए सबसे जरूरी तैयारी जो ऐसे की हो सकती है वो आपके माइंडसेट का चेंज होना चाहिए। आपने ऐसे के बारे में जो अवधारणा बनाई है, वो अवधारणा जैसा मैं बता रहा हूं आप अगर रिलेट कर पाए तो आपको लगेगा कि आपने गलत अवधारणा बना के रखी है। आप ऐसे की किताब खरीदते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं ऐसे की किताब, ऐसे की किताब कैसे हो सकती है? कोई किताब आपको भाषाई शुद्धता कैसे सिखा सकता है? वो तो भाई आप लैंग्वेज पढ़ लीजिए ना। और कैसे, किस किताब में ऐसे के टॉपिक्स ऐसे दिए होते हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं? ऐसा कभी नहीं होता। ऐसे की तैयारी किताबों से नहीं हो सकती, एक चीज। दूसरी चीज आप ये मान के चलिए, ऐसे में फिर हमको करना क्या है? हम इतनी बात कर रहे हैं ऐसे को आप किताब से मत पढ़िए, आप बुक से मत पढ़िए, आप नोट से मत पढ़िए, तो फिर सब पढ़े कैसे, तैयारी कैसे करें? तो मैं आपको बता रहा हूं कि पहला चीज जो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये चीज मुझे खुद जब मैं अपना छठवां मेंस लिख रहा था तब मुझे ये चीज पता चली। मैं सोचता था ऐसे का जो पेपर होता है ना वो उस टॉपिक का कोई विशेषज्ञ टीचर आता होगा और चेक करता होगा। जैसे ऐसे आ गया कि भारत में भूमिगत जल स्तर के गिरने की समस्या पे ऐसे लिखिए, तो मेरे को ये लगता था कि भूमिगत जल स्तर जो गिर रहा है उसका ऐसे चेक करेगा जो जियोलॉजिकल कोई साइंटिस्ट होगा या जिसका सब्जेक्ट ज्योग्राफी या जियोलॉजी होगा, वो आएगा और वो चेक करेगा। तो उसके पास, उसके हिसाब से फैक्ट्स होने चाहिए हमारे पास, क्योंकि वो तो सभी चीजें जानता है। तब हम क्या करते थे, विषय विशेषज्ञ बनने का प्रयास करते थे। हमको ऐसा लगता था जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में टॉपिक में ऐसे दिया है उसका हमको एकदम विशेषज्ञ बन जाना है। तो अभी आप एक चीज समझ जाइए कि ऐसे के जो टॉपिक्स होते हैं उसको चेक करने वाला टीचर ही उस टॉपिक का विशेषज्ञ नहीं है। तो आप विशेषज्ञ रहो ना रहो उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे क्या है, एक बहुत छोटी सी एकदम चालू भाषा में आप समझिए, ऐसे क्या है, कोई एक टॉपिक आपको दिया गया है, एक टॉपिक आपको दे दिया गया है, उस एक टॉपिक को आपको 750 शब्दों में, 750 वर्ड्स में आपको सामने वाले के सामने ऐसे प्रेजेंट करना है कि उस टॉपिक के बारे में उसको मोटे तौर पे सारी चीजें समझ में आ जाए। समझ रहे हो, ऐसे का मतलब क्या है? आप अपने आप को एक बार ऐसे का पाठक मानिए, रीडर मानिए, आप ऐसे पढ़ रहे हो, तो आप कैसे ऐसे पढ़ना पसंद करोगे? ऐसा कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते और किसी ऐसे के माध्यम से आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हो, तो ऐसे वो होना चाहिए, निबंध वो होना चाहिए जब आप 750 शब्द पढ़ें तो आपको उस टॉपिक के बारे में मोटे तौर पे सारी आधारभूत चीजें आपको पता हो जाए। और ऐसे आपको ऐसा होना चाहिए कि जब एक बार आप पढ़ना चालू किए तो आप पढ़ते 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 उसमें बंध जाएं,
और लास्ट में जब आप खत्म करें तो आपको लगा कि अरे वाह मजा आ गया, हमने कुछ सीखा इस टॉपिक के बारे में, मैं बेसिक जानकारी जानने लगा हूं, मैं किसी को बता सकता हूं कि इस टॉपिक के बारे में अगर डिस्कशन हो तो मैं बता सकता हूं। इसे को हिंदी में बोलते हैं निबंध। निबंध दो शब्दों से बना है, नि और बंध, उसका मतलब होता है बंधन। क्या होता है? बंधन। बंधन का क्या मतलब? आप बंध जाइए, आप नहीं बंध जाइए, जो आप लिख रहे हैं, जो कंटेंट आप लिख रहे हैं, जो ऐसे आप लिख रहे हैं, वो बंधा हुआ होना चाहिए, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे आपने चालू किया, आप चालू करते गए, क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते गए, तो जो दूसरी चीज लिख रहा है उसका कनेक्शन पहली से होना चाहिए, जो तीसरे लिख रहा है उसका कनेक्शन दूसरी से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे पैराग्राफ में कोई लिखा, तीसरा दूसरे पैराग्राफ में यूरोप लिख रहे हैं, तीसरे पैराग्राफ में अफ्रीका पहुंच गए, ऐसे ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए ऐसे के बेसिक कंटेंट्स में अपन जाएंगे, लेकिन ऐसे क्या है, ऐसे से सामने वाले की अपेक्षा क्या है? तो मैंने आपको जो चीज बताया कि हिंदी का ऐसे हिंदी के टीचर चेक करेंगे, इंग्लिश का ऐसे इंग्लिश के टीचर चेक करेंगे, तो पहली चीज तो लैंग्वेज आपको समझ में आ गई कि वो बढ़िया होना चाहिए। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताया, कोई भी एक टॉपिक जो आपको दिया गया है उसको आपको विशेषज्ञ के सामने प्रस्तुत नहीं करना है, उसको आपको ऐसे किसी सामान्य व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करना है जिसके पास उस टॉपिक विशेष से रिलेटेड बहुत जानकारी या इंफॉर्मेशन नहीं है। आपको ऐसे लिखना है जिससे वो टॉपिक सामने वाला व्यक्ति कुछ नहीं जानता उसके बारे में, उसको भाषा का ज्ञान है, वो अपनी भाषा के ज्ञान के साथ आपका ऐसे पढ़े, तो आप इतने बढ़िया तरीके से उस ऐसे को प्रेजेंट कीजिए कि सामने वाला व्यक्ति पढ़े तो उसको लगे वाह 750 शब्दों में इसने पूरा टॉपिक मुझे बहुत बेहतरीन ढंग से समझा दिया है। आप खुद एक स्टूडेंट हैं, मैं जो चीजें आपको बोल रहा हूं वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, ये मेरा प्रयास होना चाहिए। यदि मैं बेहतर तरीके से अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूं तो मैं एक अच्छा टीचर हूं, और अगर मेरी बात से आपको कंफ्यूजन हो रहा है, मैं आपको कभी अल्फा बोल रहा हूं, कभी बीटा बोल रहा हूं, कभी गामा बोल रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रहा है अल्फा बीटा गामा का क्या काम है, और आप और कंफ्यूज हो गए, आप मैं जो बोल रहा हूं वो आप तक एक बार में इजिली आप अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं अच्छा टीचर नहीं हूं। सेम वैसे ही आप अच्छे ऐसे राइटर या निबंध लेखक तब हैं जब आपने किसी टॉपिक को 750 शब्द जब पेपर में लिखे तो वो 750 शब्द भाषाई आधार पर और कंटेंट के आधार पर ऐसा हो कि एक लैंग्वेज का शिक्षक जब उसको पढ़े तो उसको लगे भाषा इस लड़के का अच्छा है और कंटेंट इतना बेहतरीन है कि इस टॉपिक के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था या ज्यादा कुछ नहीं पता था, और मैं 750 शब्द पढ़ के आज इस टॉपिक को, इस विषय को मोटे मोटे तौर पर समझ चुका हूं। तो ऐसे की नेसेसिटी क्या है आप समझिए, क्या जरूरत है ऐसे में, किन चीजों की जरूरत है? तो पहला चीज जो मैं आपको बता दिया कि आप भाषा पे फोकस कीजिए, और दूसरा चीज मैं आपको बताया कि आप कंटेंट को सरल बनाइए, सरल क्रमबद्ध तरीके से किसी कंटेंट को प्रस्तुत कीजिए कि वो विषय सामने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। चलिए आगे देखते हैं। यहां पे आप देखिए, आप बोर्ड पे देखेंगे कि निबंध की परिभाषा क्या है, मैंने आपको बेसिक चीजें निबंध के बारे में अभी बताई। यहां पे देखिए, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी एक विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सजीवता, संगति एवं सुसंबद्धता के साथ किया जाता है। बड़ा कठिन कठिन भारी रकम लैंग्वेज, ये लैंग्वेज सुन के लगेगा अरे सर तो बहुत इंटेलिजेंट है, अंग्रेजी के चार अच्छे अगर हम शब्द बोल दें, हिंदी के चार अच्छे शब्द बोल दें तो हमको इंटेलिजेंट समझा जाने लगता है मार्केट में। सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात क्या है, हम खुद वैसे स्टूडेंट हैं कि हमको ऐसे टीचर अच्छे लगते हैं जो बहुत भारी भरकम शब्द बोल रहे हैं, अरे वाह बहुत इंटेलिजेंट है, आपको समझ में आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन आपको चालू लैंग्वेज में बात करने वाला टीचर अच्छा नहीं लगेगा, बोले अरे यार सर का तो लैंग्वेज एकदम हमारे टाइप पर चालू है। भाई टीचर का काम क्या है, किसी टॉपिक को आप तक बेहतर तरीके से पहुंचाना। साहित्यिक शब्दों का उपयोग बहुत जरूरी नहीं है, जब आप ऐसे लिख रहे हैं, मैंने बोला आप हिंदी के शब्द लिखिए, इंग्लिश शब्द लिखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत साहित्यिक शब्द लिखिए, आप सामान्य शब्द लिखिए, गलत शब्द मत लिखिए, गलत ग्रामर मत लिखिए, गलत स्पेलिंग मत लिखिए,
समझ में आ रहा है। तो यहां पे आप देखेंगे कि निबंध उस गद्य रचना को, तो पहला चीज तो यह है कि यह गद्य है, समझ में आ रहा है, यह पोएट्री नहीं है, कविता नहीं है, ऐसे में कभी भी तुकबंदी नहीं होगी, ऐसे में कविता नहीं होगा, गीत नहीं होगा, गाना नहीं होगा, ऐसे क्या होगा, गद्य। गद्य क्या होता है तो समझते हो, नहीं समझते हो तो गूगल सर्च कर लेना गद्य क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे का पहला चीज आप क्या कर, क्या समझे, गद्य रचना, ऐसे क्या है, गद्य रचना, ठीक है, जिसमें सीमित आकार के भीतर, मतलब आपको 50,000 शब्द में कोई टॉपिक समझाना नहीं है, सीमित आकार, गागर में सागर भरना मुहावरा सुने ना आप लोग, वो ऐसे के लिए ही बना है कि आपके पास 750 शब्द हैं और उसमें आपको दुनिया भर का ज्ञान उसमें सामने वाले तक पहुंचाना है। तो दो चीजें यहां पे, हर एक शब्द का मतलब है ना, उसको आप एक नोट्स बना लीजिए अगर बना सकते हैं तो, जो मैं बोलते जा रहा हूं, आप ऐसे 6 क्लास में आप 150 नंबर ऐसे में पाएंगे, ठीक है, 6 क्लास आप ऐसे की कीजिए, आप 150 नंबर पाएंगे। तो यहां पे क्या बोले, गद्य रचना को कहते हैं, जो क्या होता है, सीमित आकार के भीतर, एक एक शब्द का मतलब समझते जा रहे हैं, सीमित आकार के भीतर मतलब कम शब्दों में, किसी एक विषय का, मैं बताया कोई भी टॉपिक हो सकता है, वो इंटरनेशनल हो सकता है, नेशनल हो सकता है, स्टेट का टॉपिक हो सकता है, का वर्णन, मतलब आतंकवाद के ऊपर ऐसे लिखे तो आतंकवाद का वर्णन, या प्रतिपादन, प्रतिपादन मतलब आपने कुछ बताया है, प्रतिपादन का मतलब क्या होता है कि कोई टॉपिक आपको दिया, अब आप इसको इलेबोरेट कीजिए, एक विशेष निजीपन, ये सबसे महत्वपूर्ण है, एक विशेष निजीपन, निजीपन का मतलब क्या है, ऐसे क्या होना चाहिए, एक्सक्लूसिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्सक्लूसिव होना चाहिए, ठीक है। हमारे यहां क्या होता है, फलाना कोचिंग का नोट्स ले आ भाई, नक्सलवाद कैसे, नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी जगह पर हुई थी, पूरे 3,000 कॉपियों में 2,800 लोगों का शुरुआत ही होता है, तो उसमें निजीपन का मतलब क्या है, एक्सक्लूसिवनेस, समझ में आ रहा है, कि आपका ऐसे ऐसा हो जो 3,000 में किसी से मैच ना करता हो, और मैच कब करेगा, जब आपने किसी नोट से पढ़ के ऐसे को लिख दिया है, तब और दूसरे भी व्यक्ति ने वही नोट पढ़ा है और लिख दिया है, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि आपने अपने विचार लिखे और बाजू वाले ने अपने विचार लिखे और दोनों के विचार सेम हो गए, दोनों के ऐसे सेम हो गए, कभी नहीं हो सकता। तो ऐसे का क्या होना चाहिए, निजीपन, स्वच्छंदता, मतलब आपको आजादी है अपने विचार लिखने की, इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत भाषा का प्रयोग करने लगे, ठीक है, तो निजीपन होना चाहिए, स्वच्छंदता होना चाहिए, सजीवता, मतलब बोरिंग नहीं होना चाहिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, सजीवता का मतलब इंटरेस्टिंग, संगति मतलब रिलेटेबल होना चाहिए, जिस टॉपिक की आप बात कर रहे हैं वो रिलेटेबल हो, सुसंबद्धता, मैंने आपको पहले ही बताया सुसंबद्धता का मतलब क्या है, कि पहले जो आपने लिखा और जब अगला पैराग्राफ लिख रहा हो तो दोनों एक दूसरे से रिलेट लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले टॉपिक में उत्तर लिखो दूसरे में दक्षिण आ गया, के साथ किया जाता है ये, ऐसे को आप निबंध की परिभाषा बस समझ जाइए, आप ऐसे कैसे लिखना है पूरा समझ जाएंगे, ठीक है। तो सुसंबद्धता के साथ किया जाता है निबंध में लेखक, अब आप लेखक हैं, का अपना व्यक्तिगत व्यक्तित्व, निबंध में लेखक का व्यक्तित्व, आपका व्यक्तित्व क्या है, आप किस तरीके से किसी विषय के बारे में सोचते हैं, किस तरीके से आप किसी विषय को प्रस्तुत करते हैं, किस तरीके से किसी विषय को जब आप प्रस्तुत कर रहे हैं तो आपकी भाषाई क्षमता है, ये सभी आपका व्यक्तित्व है ना। तो निबंध में लेखक का अपना व्यक्तित्व साफ झलकता है, मतलब आपको किसी कोचिंग के नोट्स को नहीं झलकाना है, वहां आप क्या सोचते हैं, आपका प्रेजेंटेशन क्या है, आपका लैंग्वेज स्किल कितना है, वो देखना है उसको, और आपने किसी कोचिंग का नोट लिखा, टीचर ने लिखा दिया, उसको रट के चलेगा और लिख के आ गया, तो आपके कोचिंग में तो 2,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो 2,000 पूरे वही नोट ऐसे लिख के आएंगे, क्यों नंबर आपको देगा चेक करने वाला। निजीपन होना चाहिए, स्वच्छंदता होना चाहिए, सजीवता होनी चाहिए, संगति होनी चाहिए, सुसंबद्धता होनी चाहिए, और निबंध में लेखक का अपना व्यक्तित्व साफ झलकता है, उसका अपना दृष्टिकोण, मैंने आप लोग को बताया कि आपका अपना विजन है, आपका अपना व्यू पॉइंट है, वो होना चाहिए, बाजू वाला क्या सोचता है आपको मतलब नहीं है, आप उस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं वो उसको जानना है। शैली, शैली मैं बता दिया, भाषा शैली और प्रेजेंटेशन की शैली, भाषा अधिकार मैं पहले ही बोल दिया, विचार शक्ति, आप विचार, आप कैसे विचार कर रहे हैं किसी टॉपिक के बारे में, वो वाला बचपन से अपन सुनते आए ना कि भाई वो गिलास आधा खाली है आधा भरा है, वो ठीक है, वही विचार शक्ति, कोई आधा खाली बोलेगा कोई आधा भरा बोलेगा,
ठीक है, तर्क शक्ति, मतलब जब आप किसी टॉपिक को बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मान लीजिए कोई टॉपिक है, टॉपिक अपन ले लेते हैं भारत की इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी को लेकर दो टाइप के मत मिल जाएंगे आपको, पॉलिटिकली दो भागों में बटे हैं लोग, जो प्रो गवर्नमेंट है वो बोलेंगे इंडिया की इकोनॉमी भयंकर ग्रोथ कर रही है, बहुत देश में विकास हो गया, मजा आ गया, अरे हम तो विश्व शक्ति बन गई है वो, ठीक है। जो एंटी हो क्या बोलेंगे, पूरा देश बर्बाद हो गया, जीडीपी का फलाना हो गया, ये हो गया, आर्थिक दिक्कत हो गया, 44 साल में ये हो गया, 44 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई, गरीबी हो गई, सब ठीक है। भाई मैं बोल रहा हूं भारत बर्बाद हो गया, तो मेरे को कारण बताना होगा कि क्यों हो गया, मेरे को लगा भारत बर्बाद हो गया इसलिए हो गया, ऐसा नहीं होता है। मैं बोल रहा हूं भारत बहुत विश्वगुरु बन गया, तो भी मेरे को कारण बताना है कि भारत विश्वगुरु क्यों बन गया। ऐसे में यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो चीज आप लिख रहे हो, आपने लिख दिया कि आतंकवाद बहुत बुरी चीज है, आतंकवाद बहुत भयावह स्थिति में है, आतंकवाद से भारत बहुत पीड़ित है, आप लिख दिए इसलिए माना नहीं जाएगा कि है। आज जब लिख रहे हैं कि आतंकवाद भारत के विकास में सबसे बड़ा अवरोध है, आपने ये चीज लिखा, तो आपको अपनी उस लाइन को सिद्ध करने के लिए कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना पड़ेंगे, जो अपन बोलते हैं ना ऐसे में तथ्य होने चाहिए, आंकड़े होने चाहिए, तो आंकड़ा यह नहीं होना चाहिए कि जबरदस्ती का सेंसस पढ़ के आ गए कुछ भी उसमें घुसा दिए। आप बोल रहे हो कि भाई आतंकवाद बहुत खराब चीज है, उससे देश का बहुत नुकसान होता है, तो आपको यह चीज सिद्ध करनी पड़ेगी कि आतंकवाद बहुत बुरी चीज है और उसका देश का नुकसान होता है। कैसे सिद्ध करनी पड़ेगी, तो आप बताइए कि हमारे रक्षा बजट में हमारा इतना पैसा जाता है, हमारी आंतरिक सुरक्षा में हमारा इतना बजट जाता है, हमारे हर साल लगभग इतने लाख लोगों की जान जाती है, इतने हजारों की जान जाती है, हमारे टूरिज्म पे इफेक्ट पड़ता है, बाहर देशों के लोग नहीं आते हैं आतंकवादी हमलों के डर से, आप बताएंगे विद डाटा कि भारत में टूरिज्म का ये स्कोप था, ये भी दिक्कत हो गया, जीडीपी में फर्क पड़ा, हमारे जो बजट आवंटन है उसमें फर्क पड़ा, हमारी वैश्विक क्रेडिबिलिटी में फर्क पड़ा, जब आप ये सब बता के बोलेंगे कि भारत के लिए आतंकवाद बहुत बुरी चीज है, तब ऐसे राइटिंग मतलब ऐसे चेक करने वाला मानेगा कि हाँ आपने उसको समझाया कि कोई चीज अच्छी है तो क्यों है, कोई चीज बुरी है तो क्यों है। आप क्या करते हैं, ये चीज अच्छी है, आपके बोलने से क्यों अच्छी है भाई, दोनों हो सकती है, वो चीज सेम चीज को दो लोग दो तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, वहां पे वो अच्छी या बुरी सुनने के लिए नहीं बैठा है। आप किसी चीज को बढ़िया भी बोल सकते हैं और सेम उसी चीज को आप खराब भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने बढ़िया बोला तो अच्छा टीचर को अच्छा लग गया, अच्छा बोल रहा तो नंबर दे देगा, नहीं, आप बढ़िया बोल रहे हो तो बढ़िया के पक्ष में तर्क दे दो, आप खराब बोल रहे हो तो खराब के पक्ष में तर्क दे दो। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि ये कोई यस और नो वाला टॉपिक नहीं है, उसी ऐसे को जैसे छत्तीसगढ़ में कृषि कृषकों की स्थिति, उसी ऐसे को दो लोगों से लिखवा लो, एक लिखे बहुत बुरी है और एक लिखे बहुत अच्छी है। बहुत बुरी वाला अपने पक्ष में तर्क देगा, इतनी आत्महत्याएं हुई, इतना ये हुआ, उतना ये वो हुआ, किसानों के ऊपर इतना कर्ज आया, दुनियादारी ये हो गया आपका, वो उसने बात बताया, उसने अपना एक तथ्यों का विश्लेषण किया, आंकड़ों का विश्लेषण किया कि ये आंकड़े हैं, इनके आधार पर मैं बोल रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में किसानों की स्थिति बहुत बुरी है। अगले ने इतने लिखा, वो बोल रहा है देखिए छत्तीसगढ़ में इतने ट्रैक्टर बिक गए, इतने हार्वेस्टर बिक गए, छत्तीसगढ़ में जोतों का आकार बढ़ गया है, छत्तीसगढ़ में किसान जमीन खरीद रहे हैं, कृषि में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, इस आधार पर मैं बोलता हूं कि छत्तीसगढ़ में किसानों की स्थिति बहुत बेहतर है। तो ये कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है ना कि इसका सही है तो उसका गलत होगा या उसका सही है तो इसका गलत होगा। ऐसे में यही तो फ्रीडम है, स्वच्छंदता, कि आप अपने विचार को स्वच्छंद तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन उसमें आपको क्या होना चाहिए, तर्क शक्ति होना चाहिए। आप लॉजिक दोगे, आप फैक्ट्स दोगे, क्लियर हुआ। तो कोई भी चीज जब आप लिख रहे हो तो आपको इस बंधन में नहीं बंधना है कि अरे यार अगर मान लो लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर ऐसे लिखने आ गया तो अपन क्या सोचते हैं, चेक करने वाला थोड़ा यंग टाइप का अगर होगा तो अपन लिव इन रिलेशनशिप को बढ़िया बोलेंगे, और थोड़ा बुजुर्ग टाइप का होगा तो उसकी बुराई लिखेंगे। हमारी ये मान्यता है कि चेक करने वाले का माइंडसेट कैसे होगा वैसे ऐसे में नंबर मिलेगा, ऐसे फर्क नहीं पड़ता। आप लिव इन रिलेशनशिप को अगर अच्छा बोल रहे हैं तो आप उसको अच्छा सिद्ध करने के लिए पर्याप्त फैक्ट्स और आंकड़े आपको देने पड़ेंगे। आप लिव इन रिलेशनशिप को खराब बोल रहे हैं तो उसको खराब सिद्ध करने के लिए आपको पर्याप्त आंकड़े फैक्ट्स आपको देने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? ऐसे में आपके विचार जो भी हों वो सब सही है। ऐसे में हमको इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि हमको इसको अच्छा बोलना है कि खराब। आपको वास्तव में अच्छा लग रहा है तो अच्छा बोल दीजिए, खराब लग रहा है तो खराब बोल दीजिए।
लेकिन मेरे को बस लगता है, मैं नहीं जानता भाई क्यों लगता है, मेरे अंदर आत्मा मेरी बोलती है कि सही है ऐसा। आत्मा और तुम्हारे लगने वाले चीजों को अच्छा खराब चेक करने वाला नहीं मानेगा। आपको जो चीज अच्छी लगती है वो चीज क्यों अच्छी लगती है आपको ऐसे में बताना पड़ेगा, आपको जो चीज खराब लगती है वो चीज क्यों खराब लगती है ये भी आपको ऐसे में बताना पड़ेगा। तर शक्ति आदि का पूरा परिचय निबंध से प्राप्त हो जाता है। बस ये एक परिभाषा जब समझ जाएंगे ना ऐसे का, तो ऐसे राइटिंग आपके लिए अभी 10% आसान केवल इस स्लाइड से हो गई। और समझिएगा आप लोग ऐसे कैसे पढ़ते हैं, फलाना कोचिंग का नोट्स, फलाना कोचिंग का फोटोकॉपी, फलाना परीक्षा मंथन का बुक, इसका बुक ऐसे करके लाते हैं और ऐसे को रटने लगते हैं। अरे नहीं रट सकते भाई, तुम्हारी क्षमता नहीं उतनी, समझ में आया? तो ऐसे को क्या करना है ये क्लियर हो रहा है? ठीक है, एकदम क्लियर है। देखो यहां पे ये जो निजीपन जो बोला ना, इसको दो टाइप के वर्ड्स अपन समझते हैं। देखिए लाइफ में ना दो टाइप की चीजें आप समझना। एक दिन मैं पढ़ रहा था कि मुकेश अंबानी जो हैं वो रेमंड कंपनी का शर्ट पहनते हैं। रेमंड कंपनी का शर्ट तो अपन भी पहन लेते हैं, 1,500-2,000 का आता है, समझ में आ रहा है? तो मैं सोचा यार इतने सारे ब्रांड्स है दुनिया में, मुकेश अंबानी रेमंड का शर्ट पहन रहे हैं, बोले 2,000 रुपये का शर्ट पहन रहे। तो बोले नहीं 25,000 रुपये का शर्ट आता है। तो बोला ऐसा रेमंड 25,000 का शर्ट बना रही, हमने तो आज तक नहीं देखा। तब उसके इंटरव्यू में था कि वो शर्ट होते कस्टमाइज्ड, बहुत सारी चीजों में आप देखना कस्टमाइज्ड लिखा होता है। आप उसका मतलब समझते हैं? कस्टमाइज्ड का मतलब क्या होता है? कस्टमाइज्ड का मतलब ये होता है कि वो शर्ट मुकेश अंबानी की फिटिंग के हिसाब से, उनकी नाप के हिसाब से रेमंड कंपनी बनाती है, वो केवल मुकेश अंबानी के लिए बनता है, वो हो गया कस्टमाइज्ड। और जो सारी शर्ट एल साइज, एक्सएल साइज, एम साइज ये बनती हैं, वो शर्ट तो कोई भी खरीद रहा है ना, वो शर्ट होती है जनरलाइज्ड। क्या होती है? जनरलाइज्ड। तो दो शब्द आपको पकड़ना है, एक कस्टमाइज्ड, एक जनरलाइज्ड। तो आपका ऐसे ये जो निजीपन है ना, ये कस्टमाइज्ड है कि आपको लिखना है ऐसे। आप बीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको विचार शक्ति आपकी होनी चाहिए, तर्क शक्ति आपकी होनी चाहिए, आपके अंदर एक अच्छा एक्सप्लेनेशन करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए, आपकी एक्सप्लेनेशन क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन आपका बहुत शानदार होना चाहिए। तो यह हो गया निबंध की परिभाषा। अब अपन देखते हैं कि निबंध के प्रकार। निबंध की परिभाषा से क्लियर हो गया? एकदम क्लियर रखिए कि निबंध क्या है। मुझे लगता है कि 10 मिनट के जो पिछले लास्ट वीडियो अभी तक हमारी रिकॉर्ड हुई है, उसमें मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को एक अलग दृष्टिकोण से देखने का अवसर मिलेगा कि अच्छा ऐसे ऐसा होता है यार। अपन छठवीं से लेके ऐसे पीएससी के मेंस तक लिख रहे हैं, पर हम एक वो घोड़ा होता है ना जिसके दोनों तरफ ये लगा देते हैं अपन आंख में ताकि वो इधर उधर ना दिखे, हमारे स्टूडेंट्स वैसी हैं। ठीक है, अब आप देखिए निबंध के प्रकार। तो निबंध लेखन के प्रकार में वर्णनात्मक, भावात्मक, विचारात्मक, व्यंग्यात्मक, आत्मपरक और एक होता है समस्यागत निबंध। यहाँ पे आपको हमारा बेसिक निबंध समस्याओं पे है, लेकिन कैसा होता है समझना। वर्णनात्मक क्या होता है? वर्णन करना। वर्णनात्मक का मतलब क्या होता है? वर्णन करना। वर्णन करने का मतलब यह है कि मेले पे ऐसे लिखिए, शिवरीनार के मेले पे कैसे लिखिए। तो मतलब आप शिवरीनार का मेला या तो देखे हैं और या तो किसी से सुने हैं। आपने जो देखा सुना है उसका वर्णन करना कैसा ऐसा होगा? वर्णनात्मक। जैसे आप देख रहे हैं ना कि वर्णनात्मक जो ऐसे होते हैं उसमें क्या क्या एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, मेले का दृश्य हो गया। तो मेले का दृश्य आप कल्पना करके नहीं करना है आपको, आपने जो देखा है आप कल्पना तब तक नहीं कर सकते जब तक आपने मेला को देखा ही नहीं है। आप मेले के बारे में, अगर आपने मेला जिंदगी में नहीं देखा है, कभी सुना नहीं है, तो मेले के बारे में आप कल्पना कर ही नहीं पाओगे। तो मेले को आपने देखा है और आपने दूसरे ने आपको बताया कि शिवरीनारायण में मेला ऐसा ऐसा होता है, ये झूले आते हैं, ये चाट दुकान होता है, ये गुपचुप दुकान होता है, तो आप उसको इमेजिन तब कर सकते हैं जब आपने पहले कभी मेला देखा है। तो जो आपने देखा है या किसी से सुना है उसका वर्णन करने के टाइप का कोई निबंध होगा। देशाटन पर निबंध, आप कहीं घूमने घामने गए हैं, पर्यटन का शौक, आप गए चित्रकूट पर, ऐसे लिखे। तो जिसने चित्रकूट देखा है, जो पढ़ा है वो भी लिख सकता है, लेकिन जो देखा है वो बता सकता है कि जगदलपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर लोंडीगुड़ा ब्लॉक में चित्रकूट का प्रसिद्ध जलप्रपात पड़ता है। तो जलप्रपात की क्या क्या खूबियां हैं, जब आप पढ़े हो तो आप बहुत खूबियों को नहीं जानोगे, वर्णन नहीं कर पाओगे जब तक आप पढ़े बस हो, और जब आप देखे हो तो आप 200 शब्द उसमें आराम से लिख लोगे।
दूसरा होता है भावात्मक। भावात्मक मतलब इसमें क्या होता है, आपकी भावनाएं प्रधान होती हैं, बसंत उत्सव, चांदनी रात, बुढ़ापा, मतलब आप भावनात्मक रूप से क्या सोचते हो। बुढ़ापा यार, बुढ़ापा में क्या होगा यार, शरीर कमजोर हो जाएगा, हम चल फिर नहीं पाएंगे, अपनी बचपन की चीज़ों को याद करेंगे, आपकी भावनाएं प्रधान है वहां पे, कोई फैक्ट्स की जरूरत नहीं है। एक होता है विचारात्मक, अहिंसा परमो धर्म, समाचार पत्र, विज्ञापन, विज्ञान पर निबद्ध, मतलब आपके विचार क्या है, आपका विचार इसमें महत्वपूर्ण है। अहिंसा परमो धर्म, कोई बोले नहीं 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 गांधी नहीं, हमको तो गोडसे चाहिए, भगत सिंह चाहिए, ठीक है वो आपके विचार हो गए। अब आप अपने आप भगत सिंह चाहिए, गोडसे चाहिए, तो आप उसको सिद्ध कीजिए कि आपको क्यों चाहिए, ऐसे का मतलब वो है। गांधी चाहिए तो क्यों चाहिए, समाचार पत्र पे, समाचार पत्रों की क्या आवश्यकता है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उस पर आप कर लीजिए। विज्ञान पर निबंध, विज्ञान को कोई श्राप मानता है, कोई वरदान मांगता है, कोई अभिशाप मानता है, तो विज्ञान पर निबंध तो ये आपके विचार पर डिपेंडेंट है कि विज्ञान को आप श्राप के तौर पे देखते हैं या चमत्कार के तौर पे देखते हैं, तो ये आपके विचारात्मक हो गए। व्यंग्यात्मक, समाज की विद्रूपता, आर्थिक विषमता, धार्मिक पाखंड, इसमें क्या होगा, व्यंग, आपको व्यंग करना है कि हमारे समाज में भाई धार्मिक पाखंड है, हमारे समाज में आर्थिक विषमता है, समाज की विद्रूपता है। कोई धार्मिक पाखंड को धर्म मानता है, कोई पाखंड मानता है, तो जो धर्म मानता है उसको भी सिद्ध करना है कि मैं धार्मिक हूं तो इसलिए हूं, और कोई पाखंड मानता है तो उसको भी सिद्ध करना है कि इसके क्या क्या नुकसान है, ये क्यों पाखंड है। तो ये क्या हो गया, व्यंगात्मक, आत्मपरक, मतलब मेरा जीवन लक्ष्य, मेरा बचपन, मेरी प्रथम, अपने बारे में, मैं प्रथम रेल यात्रा भाई निबंध के तौर पर मैं लिख रहा हूँ कि मैं यहाँ से दिल्ली गया तो राजधानी एक्सप्रेस में बैठा, ये वो अपनी आत्मकथा का एक 750 शब्द का ऐसे होगा वो, क्लियर है। तो ये प्रकार हमारे काम के नहीं है, लेकिन आप बचपन से जो ऐसे लिखते आए हैं, इन प्रकारों में से लिखते आए हैं, हमको अभी समस्याओं पर ऐसे लिखना रहता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपका। अभी तक की चीज़ें तो ठीक है, थ्योरेटिकली सही चल रही थी कि आपको ऐसे के बारे में बेसिक चीज़ें कम से कम पता होनी चाहिए, वो मेरे को लगता है कि ऐसे क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया। अब कोई ऐसे जब आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे ऐसे में आप, ठीक है। मुझे लगता है ये भी सब जानते ही होंगे, मतलब ऐसे जब अपन पढ़ते हैं ना तो कोई भी क्लास होती है तो कम से कम ये चीज़ें ऐसे के बारे में पढ़ाया ही जाता है। अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखा है शीर्षक, क्या लिखा है, शीर्षक। हाँ, पीएससी के स्टूडेंट को ये हमारा काम नहीं है। ऐसे के चार पार्ट होते हैं, पहला होता है शीर्षक, क्या होता है, शीर्षक, ठीक है, हेडिंग बोलते हैं जिसको, दूसरा पहला होता है शीर्षक हेडिंग, दूसरा होता है भूमिका या प्रस्तावना, इसको अपन बोलते हैं इंट्रोडक्शन, तीसरा होता है विषय वस्तु, ठीक है, तीसरा क्या होता है, विषय वस्तु, जिसको अपन कंटेंट बोल सकते हैं, चौथा होता है उपसंहार, निष्कर्ष, कंक्लूजन, ठीक है। ये चार चीजें समझ में आई, ऐसे जब आपको लिखना है, पहले ऐसे क्यों लिखना है, ऐसे किसके लिए लिखना है, ऐसे कैसे लिखना है, ये चर्चा तो अपन कर चुके कि आपका ऐसे कैसा होना चाहिए, आपका ऐसे किसके लिए होना चाहिए, आप ऐसे क्यों लिख रहे हो, ये चीजों की चर्चा हम अभी तक की है। अब अपन ऐसे में आ जाते कि कोई टॉपिक हमको दे दिया, अब अपन को टॉपिक नहीं दिया और हमको ऐसे लिखना है, बोले कोई ऐसे आप लिखिए, एक आप ऐसे के को बेसिक्स से समझिए कि हमारे पास तो अभी पीएससी में टॉपिक्स देंगे, उन टॉपिक्स में हमको ऐसे लिखना है। मान लो आपको बोले कोई एक, सब कोई अपना अपना एक ऐसे लिख के लाओ, कल यहाँ 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे अपना अपना एक ऐसे लिख के लाओ, तो क्या होगा, आपको किसी को कोई टॉपिक नहीं दिया गया है, कोई शीर्षक नहीं दिया गया है, तो उसमें आप क्या करेंगे कि अपने से पहले एक टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कोई ट्रेन यात्रा कर रहा है, कोई बेरोजगारी कर रहा है, कोई महंगाई कर रहा है, कोई आतंकवाद कर रहा है, कोई भारत में आर्थिक विकास कर रहा है, कोई भारत की बढ़ती हुई प्रभुसत्ता कर रहा है, तो जो भी टॉपिक, तो ऐसे का बेसिक चीज क्या होगा, टॉपिक, और इसमें हमको मेहनत अभी नहीं करना है। ये कौन डिसाइड कर रहा है, पीएससी, कौन डिसाइड कर रहा है, पीएससी, पीएससी ने जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया है उसमें टॉपिक्स दे दिए कि इन टॉपिक्स पे आप ऐसे लिखिए, लेकिन टॉपिक हमेशा ऐसे का पार्ट होता है। जब आप ऐसे लिखेंगे तो सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, वो ऐसे का शीर्षक, हेडिंग, समझ में आ रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि ऐसे को चार भागों में आप बांट लीजिए, पहला भाग क्या होगा, शीर्षक हेडिंग, दूसरा भाग क्या होगा, इंट्रोडक्शन, भूमिका या प्रस्तावना बोलते हैं, तीसरा भाग क्या होगा, कंटेंट, जिसको विषय वस्तु बोलते हैं, चौथा भाग क्या होगा, उपसंहार या निष्कर्ष, इसको अपन क्या बोलते हैं, कंक्लूजन, क्लियर हुआ।
अब अपन आते हैं क्रमबद्ध तरीके से एक एक चीज, जो चार अंग मैं आपको ऐसे के बताया ना, तो चारों अंग आप फ्रेमिंग कर लीजिए। सबसे पहला अंग क्या होता है? शीर्षक, हेडिंग। यह लेखन का अंग नहीं होता, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि वो आपको लिखने में नहीं आएगा, लेकिन ऐसे का अंग होता है, ये मैं आपको बताया ना। यह लेखन का अंग नहीं होता, बल्कि यह किसी निबंध का सबसे जरूरी अंग है। कोई ऐसे आप लिख रहे हो तो उसका सबसे जरूरी अंग क्या होता है कि आपके कंटेंट, आपके उपसंहार, आपके निष्कर्ष, आपके इंट्रोडक्शन, ये तो होते रहेंगे। कोई ऐसे जब आपका चेक करने जाएगा तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज क्या है कि आपने किस टॉपिक पे ऐसे लिखा है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यही होती है, टॉपिक। तो आप जो हेडिंग देते हैं वो एकदम क्लियर स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देखेंगे, बल्कि यह विधा या ऐसे का सबसे जरूरी अंग है, जिसका प्रत्येक विधा में एक अलग से स्थान होता है, सबसे प्रारंभिक स्थान होता है। यह लेखन के बाद में या पहले निर्धारित किया जाता है। कई लोग पूरा लिख लिए किसी टॉपिक के बारे में, अपन कई बार आता नहीं था गद्यांश फ्रेश आ गया, अब बोले पढ़ के इनका शीर्षक दीजिए, तो हम शीर्षक भी देते थे लैंग्वेज के पेपर में। तो कई बार ऐसा होता किसी चीज के बारे में हमने काफी लिख लिया, अब बोले इसको क्या हेडिंग दे, क्या शीर्षक दे, समझ गए। या लेखन के बाद में या पहले निर्धारित किया जाता है, पर आपके लिए क्या है, पहले से निर्धारित है। परीक्षा में निबंध के विषय या शीर्षक पहले से ही दिए जाते हैं, ये चीजें क्लियर थी पहले से, एकदम क्लियर हुआ। तो ये हमारे लिए कहने के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपके ऐसे का सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होगा, शीर्षक क्या है। शीर्षक से ही तो आगे का ऐसे क्लियर होगा ना कि आपको लिखना क्या है। यहां तक सभी को स्पष्ट है, अब आगे चलते हैं। अब इसको अपन बोलते हैं इंट्रोडक्शन। इंग्लिश मीडियम वाले भी बहुत ज्यादा इंग्लिश वाले नहीं होते हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, जो इंग्लिश मीडियम है वो इतना हिंदी तो समझ ही जाते हैं, और अगर अपन दो चार टर्म्स अगर इंग्लिश में आपको बता दें तो मुझे लगता है कि आप आराम से ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। हाँ, वो इंग्लिश में ही अगर चार छः वाक्य बोल के अपन इंटेलिजेंसी वाला फील थोड़ा सा आपको करा सकते हैं कि हमारा टीचर बहुत इंटेलिजेंट है, पर उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, भूमिका या प्रस्तावना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन। आप क्लियर हो गए ना, ऐसे को चार पार्ट में आपने बांटा, पहला आपने किया शीर्षक या हेडिंग, दूसरा आप क्या किया, भूमिका या इंट्रोडक्शन। आप देखिए, पहले आप इसको परिभाषा को पढ़िए, फिर मैं आपको इसको बताता हूँ। हिंदी निबंध लेखन, या हिंदी या अंग्रेजी दोनों, अगर अंग्रेजी है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन। निबंध लेखन के इस भाग में दिए गए शीर्षक से पाठकों का परिचय कराया जाता है। इस लाइन का मतलब समझिए, निबंध लेखन के इस भाग में दिए गए शीर्षक से पाठकों का परिचय कराया जाता है। आतंकवाद, टॉपिक क्या दे दिया आपको, आतंकवाद, तो आपको भूमिका में क्या लिखना है, भूमिका में क्या लिखना है, आतंकवाद क्या है यह बताना है। प्रस्तावना का मतलब समझ रहे हो ना, आतंकवाद क्या है भाई। जब टॉपिक दिया भारत में आतंकवाद, तो आपको जब भारत में आतंकवाद टॉपिक दिया है तब आपको आतंकवाद नहीं बताना है, तब आपको भारत में आतंकवाद की क्या स्थिति है यह बताना है, क्लियर है। टॉपिक को बड़े सूक्ष्मता के साथ विश्लेषण करके लिखना है, तब इसे अच्छा लिखाएगा। क्या होता है, कई लोग भारत में आतंकवाद आता है टॉपिक और पूरा लिख देते हैं आतंकवाद के बारे में, जैसे नक्सलवाद के बारे में आता है वो पश्चिम बंगाल का नक्सलवादी लिख देते हैं, बोले छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पूछा है, अब पूरा पश्चिम बंगाल में चारू मजूमदार कानून सलनाल फलाना दिखाना, इसकी जरूरत नहीं है। आप नक्सलवाद के बारे में लिख दीजिए कि ये एक हिंसात्मक आंदोलन है, वामपंथी विचारधारा का जो है ना, इसको अपन बोलते हैं लेफ्ट विंग टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म नहीं बोलते, एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीम बोलते हैं, LWE, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, है ना। तो यहां पे आपको क्लियर हुआ कि पहला जो आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा, वो जो आपका शीर्षक दिया है, टॉपिक दिया है, उसका परिचय आपको कराना है। इंट्रोडक्शन का, भूमिका का, प्रस्तावना का मतलब क्या होता है, परिचय। किसका परिचय, आपका इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, किसका इंट्रोडक्शन दोगे आप, उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराओगे, किसको इंट्रोड्यूस कराओगे, अपने चेक करने वाले को, अपने पढ़ने वाले को। भूमिका या प्रस्तावना का आकर्षक होना जरूरी है। जब आप किसी से इंट्रोडक्शन करवाते हो, किसी इंसान का ही मान लीजिए, तो आप कितने प्रभावी तरीके से उसका इंट्रोडक्शन करा रहे हो, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो किसी व्यक्ति से आप बहुत प्रभावित होते हैं, तो तब बोलते हैं, अपन बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ये हमारा फर्स्ट इंप्रेशन है, समझ में आ रहा है, ये हमारा फर्स्ट इंप्रेशन है। तो अपने को ये देखना है कि जो प्रस्तावना है उसका क्या होना चाहिए, आकर्षक होना जरूरी है, लिखा है, मैं बोलता हूं बेहद जरूरी है, ठीक है, जिससे पाठकों में पूरा निबंध पढ़ने की उत्सुकता बढ़ती है। जैसे आप किसी आदमी से मिले
वो आपको शुरू में लगा बड़ा एनर्जेटिक है, बड़ा यार अच्छा लगा, अट्रैक्टिव लगा, तो आप उसके बारे में दोस्ती यारी बढ़ाने की कोशिश करेंगे ना, उसे और मिलजुल बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एक आदमी मिला जिससे आप मिले, हाँ भाई ठीक है, और वो होता नहीं दो लोग मिलते हैं, और भाई क्या हाल चाल, सब बढ़िया, तू बता, सब बढ़िया, और तेरा क्या, बढ़िया, और बता, बस वो दोनों और बता बढ़िया बढ़िया मैं ख़त्म हो गया। ठीक है, जब आपको बहुत अच्छे से कोई इंट्रोड्यूस कराया, कोई अपने आप किसी के फ्रेंड हैं और आपका फ्रेंड किसी तीसरे आदमी को लेके आया आपके पास, और वो तीसरे आदमी का इंट्रोडक्शन तो आपका फ्रेंड पहले कराएगा कि ये मेरा फ्रेंड है, ये फलाना करता है, ये ठिकाना करता है, तो यहाँ पे तीसरे आदमी की छवि पहले आपका फ्रेंड कैसे बना रहा है वो महत्वपूर्ण है। तो वो इंट्रोडक्शन हमेशा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या करना है आपको, पहला पैरा जो रहेगा, 750 शब्द का ऐसे है तो आप 100 से 150 शब्द का इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। अगर 750 वर्ड्स का ऐसे है तो आप 100 to 150 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन लिखिए, और बहुत क्या होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए, घिसा पिटा नहीं होना चाहिए। आप जब वो 100-150 शब्द पढ़े ना तो चेक करने वाले को लगे गजब यार, इस टॉपिक को तो ये 150 शब्द में ही क्लियर कर दिया, मेरे को आगे समझ गया ये क्या लिखा होगा। ठीक है, एकदम क्लियर है। तो इंट्रोडक्शन को आकर्षक बनाना है, ये एक आर्ट है, ये 5 दिन में सीखा जा सकता है। आप पीएससी का मेंस अगर लिख रहे हैं तो आपके में बौद्धिक क्षमता, आपके में तर्क शक्ति इतनी होती है, आपका भाषाई ज्ञान इतना होता है कि आप बहुत अच्छे से किसी भी टॉपिक को 100-150 शब्द में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ उन टॉपिक्स को जिनके बारे में आप बहुत कम जानते हैं, उनको भी आपको इंट्रोड्यूस अच्छे से कराना आना चाहिए। वो एक कला है, वो आपके प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे विकसित हो जाती है। तो इसमें अपन 100-150 शब्द ले रहे हैं कि 100 to 150 वर्ड्स का आप इंट्रोडक्शन लिख लीजिए। फिर आता है विषय वस्तु, कंटेंट। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स भी बोलते हैं। कंटेंट मतलब क्या होता है, यह निबंध लेखन का मुख्य भाग होता है। अब आप अभी तक क्या किए कि आप समझ गए कि ऐसे का ये टॉपिक है, अब उस टॉपिक का क्या किया, आप इंट्रोडक्शन दे दिए। अब उस टॉपिक या समस्या का जो मेन आंकड़ा फैक्ट होगा वो आपको कहां देना होगा, विषय वस्तु में। जैसे यह निबंध लेखन का मुख्य भाग होता है जिसमें विषय को आरंभ, मध्य और अंत इत्यादि उपभागों में बांट लेना चाहिए और मुख्य विषय के उपशीर्षक बना लेने चाहिए। इसमें लेखक अपने समस्त विचारों का को विस्तार से रखता है। ये आपका सबसे बड़ा पोर्शन होता है। 3-4 टॉपिक होते हैं, शीर्षक एक लाइन का होता है या 2-3 शब्द का होता है, फिर आपका होता है इंट्रोडक्शन 100-150 शब्द का होता है, ये आपका 500 शब्द का ये होगा। मिनिमम 500 शब्द का विषय वस्तु आपका होना चाहिए। विषय वस्तु में क्या होना चाहिए, मुख्य भाग है बोल रहा है, इसको भी आप 3 भागों में बांट लीजिए कि विषय वस्तु में सबसे प्रारंभ में आप क्या देंगे, मध्य में क्या देंगे, अंत में क्या देंगे। विषय वस्तु क्योंकि बड़ा टॉपिक है तो इसको भी आप बाइफर्गेट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका गरीबी पे से आ गया, तो आपको क्या करना है कि पहले तो आप गरीबी क्या है, भारत में गरीबी की क्या स्थिति, वो आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए कि गरीबी ये है, गरीबी से ये होता है। अब आप गरीबी का जब विषय वस्तु में आएंगे तो आपको लिखना है कि भारत में गरीबी की स्थिति अद्यतन क्या है, गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे होता है, गरीबी के क्या क्या कारण हैं, गरीबी के क्या क्या प्रभाव हैं, गरीबी को दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास सरकार ने आज तक किए हैं, और गरीबी को दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, आप अपना अभिमत उसमें दे दीजिए। हर एक टॉपिक में ऐसी भाई फॉरगेट कीजिए, कोई भी समस्या है, कोई भी टॉपिक है, तो उस टॉपिक का क्या, क्यों, कैसा, कहां, ये आपको लिखना है कि गरीबी के कारण क्या है, निवारण क्या है, प्रभाव क्या है, सुझाव क्या है। समझ में आ रहा है? तो आप अगर 100 शब्द में कारण लिख रहे हैं, 100 शब्द में प्रभाव लिख रहे हैं, 100 शब्द में निवारण लिख रहे हैं, 100 शब्द में सुझाव लिख रहे हैं, तो हो गया आपका 400 शब्द यहीं पे। तो आपके लिए ये बहुत आपका दिमाग लगाने वाला फील्ड नहीं है, यहां पे आपका नॉलेज काम आएगा या आपका व्यवहारिक ज्ञान काम आएगा। ठीक है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा करने वाला पॉइंट है ना, वो इंट्रोडक्शन में है और लास्ट पैरा में जहां निष्कर्ष होगा वहां पे आपकी एक्सक्लूसिवनेस, या अपन उसको क्या बोले थे, कस्टमाइज्ड करना। तो आप इसको बहुत कस्टमाइज्ड नहीं कर सकते, ये जो बीच का टॉपिक है ना, आप इसको बहुत कस्टमाइज्ड नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, जो आपका इंट्रोडक्शन है उसको कस्टमाइज करना है। फिर विषय वस्तु में क्या होना चाहिए, क्लियर विषय वस्तु, भाई गरीबी के कारण आप भी वही लिखेंगे, पड़ोसी भी वही लिखेगा, 1-2 पॉइंट आगे पीछे हो सकते हैं। निवारण जो भाई भारत सरकार ने कदम उठाए वो पड़ोसी को भी पता है, आपको भी पता है। प्रभाव पड़ोसी को भी पता है, आपको भी पता है। तो विषय वस्तु में बहुत डिफरेंस
नहीं होता। हाँ, कुछ लोग विषय वस्तु में अच्छे आंकड़ों का, तथ्यों का प्रयोग करते हैं, उनको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो जो भी टॉपिक्स हैं उनसे संबंधित अगर आंकड़े आपके पास हैं, तथ्य आपके पास हैं, तो उसको विषय वस्तु में जरूर ऐड कीजिए, उससे आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, अब अपन अगले उसमें आते हैं, ये है उपसंहार निष्कर्ष, इसको बोलते हैं कंक्लूजन। इतना तो आप शब्द से ही समझ गए होंगे कि आपने अभी तक जो लिखा है, अभी तक जो लिखा है उसका कंक्लूजन आप क्या पाते हैं। कि आपने लिखा भारत में आतंकवाद, तो आपने उसके अच्छे प्रभाव, बुरे प्रभाव, निवारण प्रयास, दुनियादारी सब लिख दिया। अब लास्ट में आप बताइए कि अब आप क्या बोल रहे हैं आतंकवाद के बारे में, अब आप फाइनली आपका रिव्यू क्या है, आपके कमेंट्स क्या हैं। तो आप यहां पे जो भी आप लिखे होते हैं, यह निबंध लेखन का अंतिम भाग होता है, जिसे लेखक को इस प्रकार लिखना चाहिए कि विषय के मूल भाव को संतुलित तरीके से समेट सके। समझिए, जो भारत में आतंकवाद का मूल भाव है उसके बारे में आपने क्या निष्कर्ष निकाला, आपने इंट्रोडक्शन दिया, आपने विषय वस्तु लिखा, अब उसके आधार पे आप बताइए कि आपने क्या कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन आपका यूनिक होना चाहिए, आपका एक्सक्लूसिव होना चाहिए, आप ही का होना चाहिए। आप अच्छा भी मान सकते हैं, आप बुरा भी मान सकते हैं, आप उसको आशावादी तरीके से भी देख सकते हैं, निराशावादी तरीके से भी देख सकते हैं। बेसिकली आपको कंक्लूजन में लिखना चाहिए कि समस्या तो गंभीर है, कोई भी समस्या हो, परंतु जो निवारण के लिए प्रयास किए गए हैं उन प्रयासों से हमको ये लगता है कि बहुत जल्द इस समस्या का निवारण हो जाएगा। और ऐसे कि यहाँ पे आपको कोई मोटिवेशनल कविता, पंक्तियाँ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इनको ऐड कर देना चाहिए, उससे ऐसे का प्रभाव बढ़ जाता है। जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद सोचेंगे ना, जैसे मान लीजिए कि कोई टॉपिक आपका आया आतंकवाद, तो आतंकवाद के बारे में आपने बताया कि आतंकवाद की ये स्थिति है, आतंकवाद से देश को इतना नुकसान हुआ है, आतंकवाद की देश में भयावहता ये है, आतंकवाद के प्रभाव ये हैं, आतंकवाद के निवारण के लिए हमने क्या क्या प्रयास किए उसको भी बता दिया, क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं उसको भी बता दिए। फिर आप लास्ट में लिखेंगे कि भाई आतंकवाद तो है, देश में बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में या लगातार हमने पिछले कई वर्षों में हमने प्रयास किए हैं, जिसके रिजल्ट अब दिखते हैं कि आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है, और अभी पूर्ण रूप से आतंकवाद समाप्त तो नहीं हुआ है, पर जो हमारे प्रयास हैं और उनसे जो परिणाम मिल रहे हैं उनसे हम आशान्वित हैं कि निकट भविष्य में हम आतंकवाद से मुक्ति पा लेंगे। फिर आपको ऐसी कोई पंक्तियां जिसको पढ़ के चेक करने वाला, पढ़ने वाला सोचे नहीं यार आपने जो बात बोला है उसको आपने मजबूती दी है इन लाइनों से, जैसे रामेश्वर वैष्णव जी की एक कविता अपन ऐसे में लिख देते थे कि ऐसी कोई रात नहीं जिसके बाद प्रभात नहीं, मन में दृढ़ विश्वास चाहिए, असफलता की बात नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा, ये केवल जज्बात नहीं, ऐसे बहुत सारे लाइन्स आप खोल सकते हैं। मतलब ये सभी कॉमन लिख दोगे तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तभी ऐसे कहीं ना कहीं आपको आज गूगल में, किताबों में ऐसे मोटिवेशनल दो पंक्तियां आपको मिल जाएंगी, रामायण से उठा लीजिए, गीता से उठा लीजिए, बाइबल से उठा लीजिए, कुरान से उठा लीजिए, सब से उठा लीजिए, चलेगा। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। एक अच्छे निबंध की प्रमुख विशेषताएं, शब्दों शब्द सीमा 750 से 750 में लिखना है, 600 नहीं करना है और 900 नहीं करना है, मतलब 750 गिनते मत बैठना, 750 हो गया। आप अभी से तय कर लीजिए कि एक लाइन से आपको कितने शब्द आप लिखते हैं, उसके हिसाब से आप देख लीजिए उतने लाइन कैसे लिखे। मतलब 750 लिखोगे तो नंबर कट जाएगा ऐसा नहीं है, और 775 लिखोगे तो नंबर कट जाएगा ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप 600 लिख रहे हो तो भी नहीं नंबर मिलेंगे, और 900 लिख रहे हो तो भी नंबर आपको नहीं मिलेंगे। निबंध अधिक विस्तृत ना होकर संक्षेप में होना चाहिए, मैंने एकदम बता दिया है आपको, ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया वो आप कर लेंगे तो वो विशेषता है। वर्तनी शुद्ध होना चाहिए, उसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, समझ गए ना, सेंस चेंज हो जाता है, चिन्हों का प्रयोग जो होता है, एब्रिवेशन जो होते हैं, अगर उनका उपयोग अपन सही तरीके से नहीं करेंगे तो सेंस चेंज हो जाता है, इतना बेसिक नॉलेज आपको है। सरल एवं सुबोध शैली में लिखना चाहिए, एकदम भयंकर भाषा लेके आ गए, ये अंग्रेजी का ग्रामर खोज खोज के और हिंदी का साहित्य को खोज खोज के, नहीं भैया, सामान्य बोलचाल की भाषा में लिखिए, बहुत साहित्यिक होने की जरूरत नहीं है। निर्धारित शब्द सीमा में लिखना चाहिए, रिपीट हुआ ये, निबंध लिखते समय आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, आपको ये नहीं सोचना है कि सामने वाला क्या सोचेगा, आप जो सोच रहे हो उसको सबसे बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना है, समझ गए ना। स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता वही है कि आपको यस और नो वाला निबंध नहीं लिखना है, जब आप ऐसे लिख रहे हो तो आप स्वतंत्र हैं कि उसको यस भी बोल सकते हैं, नो भी बोल सकते हैं, लेकिन जो भी बोल रहे हैं उसको आपको सिद्ध करना है। निबंध को क्रमबद्ध और सुसंबद्ध ढंग से व्यक्त करना चाहिए, ये मैं बताया कि आपका क्या होना चाहिए, सिक्वेंस होना चाहिए, कि मतलब आपने जो लिखा कि कारण लिखा, फिर प्रभाव लिखा, फिर निवारण लिखा, फिर सुझाव लिखा, तो एक सिक्वेंस होना चाहिए, ये नहीं कि कारण ये है फिर उसके ये सुझाव हैं फिर इसके ये प्रभाव हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। भाषा शुद्ध सरल प्रभावशाली और विषय के अनुकूल होनी चाहिए, क्लियर है।
निबंध में उचित स्थान पर मुहावरों और काव्य की पंक्तियों का समावेश होना चाहिए, बता चुका हूँ। निबंध में रोचकता होनी चाहिए ताकि पाठक निबंध प्रारंभ से अंत तक जुड़ सके। मैंने बताया ना, इंट्रोडक्शन से ही आपको क्या करना है, निबंध बहुत अट्रैक्टिव बनाना है, तब लास्ट तक वो आपका जो चेक करने वाला है वो लास्ट तक पढ़ते जाए और आप तक खुश हो जाए, वाह बहुत शानदार, और उसके बाद आपको फुल मार्क्स देंगे। और दूसरे कोई भी विषय ऐसे नहीं है, सात पेपर में कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जो 10-15 दिन की तैयारी में आपको 80 नंबर से 150 नंबर पहुंचा सकता है। ऐसे एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 10-15 दिन की तैयारी में 80 से 150 नंबर पहुंचा सकता है, ठीक है। अब ये शिक्षा आईएएस वालों ने यहाँ पे दिया हुआ है जो अनसॉल्व पेपर है ऐसे का, तो ऐसे के बारे में ये तो आप लोगों को पता होगा कि चार ऐसे लिखने हैं, 750-750 शब्द के लिखने हैं, दो ऐसे जो आएंगे, दो ऐसे आपको अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय मुद्दों पर लिखने हैं, चार आपको निबंध के ऑप्शन देंगे उसमें दो आपको अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पर लिखना है, चार आपको छत्तीसगढ़ के से रिलेटेड टॉपिक देंगे उसमें आपको दो छत्तीसगढ़ के लिखने हैं, चार ऐसे टोटल 750-750 शब्द के लिखने हैं। और ये सब्जेक्ट प्लानर आपका दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे और छत्तीसगढ़ राज्य के स्तर के मुद्दे, इसके दो ऐसे, इसके दो ऐसे, इसके चार टॉपिक्स आपको देंगे उसमें दो लिखना है, इसके चार टॉपिक्स आपको देंगे उसमें दो लिखना है, क्लियर। ये लास्ट ईयर्स के आपके ऐसे जो आए हुए हैं ये आपके पास अनसॉल्व होंगे, पर ऐसे अनसॉल्व आप बना लीजिए, नहीं है तो ये इंस्टीट्यूट वालों को बोलिए कि आपको यहाँ आके आप इनसे ले लीजिए, ये काफ़ी बेहतर लग रहा है कि आपके वहीं पे सिलेबस है और सिलेबस के बाद यहाँ पे अनसॉल्व है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2022 का यहाँ पे है, 2021 का है, तो ऐसे ऐसे के अनसॉल्व है, जो जो टॉपिक्स आए हैं उनको आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो विषय वस्तु मत लिखिए, लेकिन इन्हीं से प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप अगर आपको ये योजना आयोग बनाम नीति आयोग आ गया तो आप इंट्रोड्यूस कैसे करते इस टॉपिक को, आप कंक्लूड कैसे करते इस टॉपिक को, ये लिख लिख के देखिए, प्रैक्टिस से परफेक्शन आएगी। ये चीज़ें जो मैंने बताई मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होना चाहिए, आपको निबंध जो आप सोचते थे वो सोचने के तरीके में आपके परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन केवल किसी चीज़ को जान लेना महत्वपूर्ण नहीं है, उस चीज़ की प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप एक कीजिए, कोई भी टॉपिक लेके आप डेली एक टॉपिक का कम से कम 100 शब्द का इंट्रो लिखिए और 100 शब्द का कंक्लूजन लिखिए, तो आप अगर आपका पेपर अभी 4 महीने है 3 महीने है तो 90 टॉपिक्स पे अगर आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अगर आप लिख लेंगे तो आप बहुत परफेक्ट हो जाएंगे। और ऐसे की बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बताई आप उनको कृपया करके अब जब भी आप ऐसे के बारे में सोचें पढ़ें लिखें तो उन बेसिक चीज़ों को ध्यान में हमेशा रखें। चलिए और आगे देखते हैं, अगर आपके इंस्टीट्यूट ने फिर मौका दिया तो हम ऐसे के कुछ टॉपिक्स को लेके भी आपके साथ चर्चा कर पाएंगे, पर ये बात आपके इंस्टीट्यूट के ऊपर निर्भर है कि वो हमें दोबारा मौका देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपने समय निकाल कर, मुझे अच्छा लगता है अपना जो भी थोड़ा बहुत अनुभव है वो बच्चों के साथ शेयर करने में, तो देखते हैं अभी आप लोगों की भी क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम अगला वीडियो बनाएंगे। अभी ऐसे के बारे में एक कंप्लीट वीडियो हमने बेसिक ऐसे के बारे में बेसिक जानकारी को लेकर ये वीडियो बनाया है, मुझे लगता है कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। यदि कोई कमी कहीं पे आपको लग रही और कोई आपका डाउट हो तो आप इंस्टीट्यूट से बात करके वो मुझे क्वेश्चन दे देंगे तो मैं आपका जवाब उसको दे दूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।